औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मौजूद हूँ कदमगाह अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम मशहद से तकरीबन 144 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाज़ार, यहाँ से लेकर थोड़े नीचे तक बाज़ार है। यहाँ पर बाज़ार के बाद यहाँ ज़ाहिर वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ज़ाहिर वगैरह ने जितने भी जवार यहाँ पर आए हैं उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। और यहाँ से फिर ऊपर की जानिब इसका सफ़र है, मैं आपको ये सफ़र ऊपर दिखाता हूँ। बहुत बुलंद सीढ़ी पहाड़ के ऊपर है। इस ज़माने में शायद ये पहाड़ हो तो हुआ करता था, अब तो सीढ़ियाँ वगैरह बना के इसको मतलब सीढ़ियाँ बना दी पहाड़ के ऊपर। लेकिन बहुत ऊंची जगह है यहाँ पर, कदीमी तरस का मतलब सारे वो बने हुए हैं, मतलब शायद महल टाइप का कुछ होगा उस ज़माने में। अभी तो खास लगता है मेरे ख़ासा जवार वगैरह जब आते होंगे तो वो अपने लिए यहाँ रिहाइश और ये आग का मतलब हाथ गर्म करने के लिए यहाँ पर वो सजा सर। ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। मैं एक वक्त आया था तो यहाँ बर्फ़ थी। ये बाग वगैरह है देख सकते हैं कुछ। यहाँ पर हाल थोड़ा सा ख़राब है, ख़राब से मतलब कि कोई काम करने वाले बंदे मुझे नज़र नहीं आ रहे और कोई कोई पुरसान हाल नहीं है। थोड़ा सा हालत थोड़ा ख़राब है। अल्लाह करे मैं इस वीडियो के ज़रिए पैगाम वो काम इबारा तक पहुँच जाए कि वो दोबारा से इन जगहों को साफ़ और शफाफ कर लें। पानी भी बहुत गंदा है। मैं अभी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इस जगह को अपने हाथ से सफाई करूँगा। मौला का जहाँ पर दर हो, मौला का जहाँ पर चश्मा जारी हो और वहाँ के बाद वहाँ पर हम हाथ साफ ना करें और वहाँ पर हम सफाई ना करें तो हमारा मौला का चाहने वाला कहना ये भी एक तरह से सिर्फ मुंह से कहना हो जाएगा। ये आखिरी सीढ़ी है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी सीढ़ी आखिरी नहीं है, सीढ़ियाँ हम इसके अलावा भी हैं लेकिन छोटी सीढ़ियाँ आगे हैं। नेशापुर के नाम से ये शहर है। यहाँ के जो अपना नेशापुरी जो फरोज़ा है दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, आप कहते हैं कि पहाड़ों पर अब फसल ख़त्म हो गए तो ये नेशापुरियों के बातें हैं कि नेशापुर के फरोज़े ख़त्म हो गए। अभी जो फरोज़े मिल रहे हैं वो बस थोड़े बहुत चाइना से और पाकिस्तान से और मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पर फरोज़े लाकर नेशापुर के नाम पर भेजे जाते हैं। तो नेशापुर में शायद हो सकते हैं, ये मेरी इतलात के मुताबिक इतलात हैं। बाकी आप लोग जो जानते हैं इस हवाले से, जिनको पता है इस बारे में, तो आप देख सकते हैं ये चश्मे का पानी ऊपर से आ रहा है। यहाँ पर दोस्तान फ़ोटो खींच रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मे का पानी ऊपर से आ रहा है। ये मौला का कदमगाह है और यहाँ पर भी बाग वगैरह बने हुए हैं। बैठने मना है यहाँ पर बाग में क्योंकि पानी का टाइम काफ़ी रहता है। यहाँ पर पानी के पाइप वगैरह लगे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा बाग है। बहुत यहाँ पर पहुंचकर भी बहुत ऐसा महसूस होता है कि मतलब हम कई ख़ास जगह पर मौजूद हैं जहाँ की हवाएँ, जहाँ के मौसम हमें कुछ याद दिला रहे हैं अपने मौला की। चश्मे का पानी, चश्मे की जगह ये थी, यहाँ हम पहले गए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सीढ़ी उतरना होता है, सीढ़ी उतर कर हाँ नीचे जाएँ तो असल चश्मा यहाँ पर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ की मैंने तकरीबन चार से पांच दफ़ा ज़्यादत कर चुका हूँ। ये बंद पड़ा हुआ है, वल्ला वालम करोना से बंद किया है, क्या वजूहत हुई हैं। तो ये पानी यहाँ पर ऊपर लाइन के ज़रिए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आ रहा पानी तो आप यहाँ से पी सकते हैं। तो यहाँ से अब वज़ू वगैरह जो भी अगर आपको करना है, पीना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पानी की जगह है और मैं आपको दाखिल हरम दाखिल अंदर
जहाँ पर मौला कदम गए हैं, मैं वहाँ लेके जाऊँगा और आपको वहाँ की मौला कदम। मुझे पहले तो ये पूरा खुला हुआ था, अब बंद कर दिया गया, लेडीज़ का अलग सिस्टम कर दिया है, मर्दों का अलग कर दिया। तो जो मर्दों के साइड पे है ना, वो वहाँ पर शीशा लगा हुआ है और शीशे में यहाँ की वीडियो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने दुआओं की गुजारिश की है, मैं उनके लिए खुशी दुआ करूँ। जिन्होंने नाम लेके गुजारिश की है, मैं उनके लिए नाम लेके दुआ करूँगा यहाँ पर। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सबको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ज़ियारत की तौफीक अता फरमाएं, और ये करोना बदबख को इंशाल्लाह ये दे सकते हैं। ये मौला के कदम है। ये शीशे में नज़र आ रहा है, देखें ये देख सकते हैं। अभी शीशे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शीशे में वो लेडीज साइड पे है इंशाल्लाह ताला, वहाँ पर जो है ना असली है। तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ लोग यहाँ पर महवे इबादत भी हैं। मैं अंदर के सामान आपको दिखाता हूँ, ये मतलब बहुत कदीमी सामान, बहुत कदीमी सामान है, बहुत इनके मतलब इस पर काम की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मौला इन जगहों को बहुत जल्द बना दे। देख सकते हैं आप यहाँ पर वहाँ माशाल्लाह काशीकारी की हुई है, यहाँ पर बहुत प्यारे है। मेरे ख्याल से कुछ कुरान की आयत है, क्या है तो मतलब बहुत प्यारी, अगर इस पर रंग किया जाए तो बहुत प्यारा लगे चीज़ है। तो ये देख सकते हैं अभी ये पार्टीशन कर दी है, उस तरफ लेडीज़ इस तरफ जेंट्स हैं, वरना पहले दोनों एक था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें भी उस तरफ लेडीज साइड पे भी और हम डायरेक्ट मौला के खदमगाह को हम दे सकें, तो इससे बड़ी खुशी भी क्या होगी हमारे लिए। क्या देख सकते हैं अभी मसल से, तो इंशाल्लाह ताला एक नए जगह के साथ और इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ आप सबके लिए हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के इजाज़त दें, सिकंदर का रवलाई, नशापुर, इल्तमास से दुआ।